सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग कनेक्शन सामने आया है। रिया के उन पर मैरिजुआना लेने के आरोप के बाद ये मामला और गंभीर हो गया। रिया ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सुशांत को मैरिजुआना लेने की आदत थी और वो बहुत पहले से लेते थे। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सुशांत का ये ड्रग इनटेक ज्यादा हो गया था, लेकिन सुशांत के ही एक पीए ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व पीए साबिर अहमद ने रिया के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि रिया ने सुशांत पर जानबूझकर ये आरोप लगाए हैं। मैं काफी दिनों तक सुशांत के साथ था, कभी सुशांत को ड्रग्स लेते नहीं देखा। साबिर ने कहा, जब सुशांत सोन चिड़िया के प्रमोशन में व्यस्त थे और दिल बेचारा की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त काम के चलते वो भी उनके साथ फ्लैट पर रहे थे। साबिर के मुताबिक अगर सुशांत ने कभी ड्रग्स का सेवन किया होता तो इस बात की जानकारी उन्हें जरूर होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ दिनों से बहुत सारे ड्रग्स का नाम सुशांत को लेकर लिया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुशांत सारे ड्रग्स लेते थे। साजिश के तहत लोग ऐसा कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सीबीआई मामले की गहनता से तहकीकात कर रही है। रिया चक्रवर्ती के फोन से भी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं डिटेल्स में रिया की चैट निकली थी, जो कि रिट्रीव की हुई चैट थी। रिया ने इस चैट को डिलीट कर दिया था। इस चैट में रिया ड्रग्स को लेकर बात करती नजर आ रही थी, और जब रिया से मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने पर तो कह दिया कि उन्होंने कभी ड्रग्स को छुआ भी नहीं, और सुशांत के लिए कह दिया कि मुझे कहते हुए काफी दुख हो रहा है कि सुशांत मैरिजुआना लेते थे। मतलब शक रिया पर गया था, लेकिन रिया ने दुनिया से जा चुके सुशांत को ड्रग एडिक्ट करार दे दिया। बल्कि रिया के अलावा सुशांत के जितने भी करीबी हैं, वो सभी सुशांत के ड्रग के सेवन करते रहने से इनकार कर रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत के प्रभारी विशाल सिंह राजपूत ने इसमें महेश भट्ट का एंगल निकाला है। उनका कहना है कि महेश भट्ट अक्सर रिया को भड़काते थे, उनसे फिल्में लेने के लिए रिया महेश की बात मानती थी। रिया ने सुशांत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और जब उनसे काम निकल गया तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। विशाल का साफ कहना है कि उन्होंने सुशांत के कई करीबियों से बात की है, जिसमें पता चला है कि एक्ट्रेस खुद को बचाने के लिए दिवंगत सुशांत को फंसा रहे हैं। लेकिन सीबीआई जांच पूरी होने के बाद सच सामने आ जाएगा। इस पूरे मामले में रिया को महाराष्ट्र सरकार का पूरा साथ मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने रिया को सुरक्षा दी है, जिसे जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्यों ने गलत करार दिया है। उनका कहना है कि जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें महाराष्ट्र सरकार वीआईपी सुरक्षा दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब रिया आगे इस मामले को अपने बयानों से क्या मोड़ देंगी, वो तो वही जानती होंगी, लेकिन जिस तरह से सुशांत से जुड़े लोग एक एक कर रिया को गलत साबित करने के लिए बाहर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि मामले में अब रिया पूरी तरह से फंस चुकी हैं, और अब शायद वो इस मामले से बाहर तभी हो पाएंगी जब सच्चाई उगल देंगी, क्योंकि उससे पहले सीबीआई उनको बख्शेगी नहीं, ये तय है।